यस रेडी स्टार्ट। राजभाषा का अर्थ होता है राज्य के कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा। स्टो किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य में सुचारू कामकाज के लिए राजभाषा का निर्धारण किया जाता है। स्टो भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित जितने विस्तृत उपबंध निर्दिष्ट किए गए हैं उतने शायद बहुत कम संविधानों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि अधिकांश देशों में संपूर्ण जनता के लिए या एक बहुत बड़े वर्ग के लोगों के लिए भाषा एक ही होती है। स्टो उसी भाषा का प्रयोग वे अपनी सभी कार्यवाहियों में करते हैं, इसलिए सांविधानिक विधि में राजभाषा का उल्लेख उन देशों के लिए आवश्यक नहीं होता। स्टो परंतु जिस देश में दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वहां इन भाषाओं के प्रयोग के परिणाम स्वरूप उठने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए ही संविधान में विशेष उपबंधों का निर्माण आवश्यक हो गया है। स्टो इन्हीं समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए भारतीय संविधान में एक संपूर्ण अध्याय में ही राजभाषा को वर्णित किया गया है। स्टो पैरा संविधान निर्माण के समय जब संविधान सभा में राजभाषा के विषय पर विचार विमर्श हुआ तब सदन भाषा विषयक भावनाओं से उद्वेलित हो गया। स्टो इस विषय पर बहुत लंबा वाद विवाद हुआ। स्टो लंबे वाद विवाद के बाद संविधान सभा को एक समन्वित सूत्र मिला और संविधान निर्माताओं ने इसी सूत्र के आधार पर राजभाषा से संबद्ध उपबंधों का निर्माण किया। स्टो पैरा संविधान निर्माताओं द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि हिंदी संघ की भाषा है और इसकी लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संघ के शासकीय प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होगा। स्टॉप संविधान निर्माताओं द्वारा गणतंत्रता की घोषणा के बाद के आरंभिक 15 वर्षों में कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की व्यवस्था की गई थी, किंतु बाद में अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि बढ़ा दी गई और उसका प्रयोग वर्तमान समय तक हो रहा है। स्टो 1963 ईस्वी में पारित राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सभी सरकारी कार्यों एवं संसद की कार्यवाहियों के लिए जारी रहेगा। स्टो इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था दी गई कि जिस राज्य द्वारा हिंदी भाषा को सरकारी कार्यों के लिए नहीं अपनाया गया है उस राज्य का आपसी पत्र व्यवहार अंग्रेजी में ही किया जाएगा। स्टॉप इन राज्यों को संघ से या उस राज्य से जिसने कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए हिंदी भाषा को अपनाया है। हिंदी में आपसी पत्र व्यवहार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। स्टॉप इन सबके अतिरिक्त इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि कुछ विशेष कार्यों यथा प्रस्ताव, सामान्य आदेश, अधिसूचना, नियम, प्रेस विज्ञप्ति, प्रशासकीय रिपोर्ट, लाइसेंस, परमिट एवं समझौते इत्यादि में हिंदी और अंग्रेजी
दोनों का प्रयोग अनिवार्य होगा। स्ट्रोक पैरा भारत के न्यायालयों में भाषाओं के उपयोग के संबंध में यह व्यवस्था दी गई थी कि आरंभिक 15 वर्षों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा और साथ ही अनुच्छेद 384 में यह उपबंध कर दिया गया कि यदि संसद सर्वसम्मति से यह निर्णय कर ले कि आगे भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे तो उसका उपयोग आगे भी किया जाता रहेगा और उसी व्यवस्था के अंतर्गत अभी भी न्यायालयों में अधिकांशतः अंग्रेजी का ही प्रयोग हो रहा है। स्टॉप पैरा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुए संविधान में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। स्टॉप संविधान के अनुच्छेद 350 में वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को संघ अथवा राज्य के किसी अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए संघ में अथवा राज्य में प्रयुक्त की जाने वाली किसी भी भाषा में आवेदन पत्र देने का अधिकार है। स्टॉप। वैसे संविधान में हिंदी भाषा के प्रयोग पर कुछ विशेष बल दिया गया है, अर्थात हिंदी भाषा के विकास और अभिवृद्धि के लिए भी निर्देश दिया गया है ताकि यह भाषा भारत की समन्वित संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इष्ट हो। परंतु इस भाषा की अभिवृद्धि के लिए सर्वप्रथम संस्कृत भाषा तत्पश्चात अन्य भाषाओं में प्रचलित शब्दों को ग्राह्य बनाना होगा। स्टॉप। संविधान के अनुच्छेद 347 में भी भाषा संबंधी एक उपबंध वर्णित है। स्टॉप। इसके अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकांश भाग यह मांग करता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को संबद्ध राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य को यह निर्देश देगा कि उस भाषा को संबंधित राज्य में या किसी क्षेत्र विशेष में शासकीय मान्यता प्रदान करे। स्टॉक पैरा। यह भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश का दुर्भाग्य ही है कि देश में सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली भाषा हिंदी को अभी भी द्वितीय राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया है। स्टॉप। संविधान स्वाधीनता प्राप्ति के तत्काल बाद कोई भी राष्ट्र अपने विकास के लिए सर्वप्रथम अपने देश की राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा के रूप में स्थापित करता है। स्टॉप। किंतु अपनी स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती पूर्ण कर लेने के बाद भी भारत ने ऐसा नहीं किया। स्टॉप। यहाँ के राजनेता व विधि विशेषज्ञ अंग्रेजियत के रंग में डूबे हुए हैं और उन्होंने क्षेत्रीय समस्याओं भाषाओं के आधार पर को आधार बनाकर अंग्रेजी को प्रथम राजभाषा के रूप में स्थापित रखने की कोशिश की। स्टॉप पैरा। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों तथा पश्चिम बंगाल द्वारा हमेशा से हिंदी का विरोध किया जाता रहा है और इसी को आधार बनाकर अंग्रेजी को अभी तक प्रमुख राजभाषा के रूप में बनाए रखा गया है। स्टॉक। इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि भारत में हिंदी का उपयोग करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 43% है, जबकि अंग्रेजी का उपयोग करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का मात्र 3% है। स्टॉप। हिंदी का विरोध
करने वाले प्रमुख राज्यों की भाषाओं तमिल और बांग्ला की भी कुल प्रतिशतता 14.4 है। 7.4% बांग्ला और 7% तमिल। स्टॉप। फिर जब संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, संथाली, मैथिली तथा डोगरी को स्थान दे दिया गया है। तब इनमें से जिस भाषा का सर्वाधिक लोग उपयोग करते हैं उसे ही तो राजभाषा बनाई जानी चाहिए। स्टॉप। किंतु हमारे देश में राजभाषा के रूप में प्रमुखता वरीयता प्रदान की गई है विदेशी भाषा को, और वह भी उनकी राजभाषा को जिन्होंने हमें लगभग 200 वर्षों तक शोषणपूर्ण नीतियों से शासित किया। स्टॉप। अंग्रेजों ने तो अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में इसलिए स्थापित किया था ताकि भारत की अशिक्षित जनसंख्या उनकी दोषपूर्ण नीतियों को समझ न सके और शासन के सर्वोच्च पदों पर अंग्रेजों को ही स्थापित किया जा सके।